हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आ गए हम लोग फिर से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। दोस्तों अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप भी फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, तो फ्लिपकार्ट पे एक प्लेटफॉर्म चलाया जाता है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट पे लेटर। दोस्तों फ्लिपकार्ट पे लेटर होता क्या है, फ्लिपकार्ट पे लेटर से हमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल रॉयल शुभम टेक्निकल। और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं, हम लोग जानते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर के बारे में। होता क्या है कि जैसे आप फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसे नाम है, लेकिन आज के वीडियो में मैं फ्लिपकार्ट के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों फ्लिपकार्ट क्या होता है, फ्लिपकार्ट पे लेटर करके एक ऑप्शन आता है। उस ऑप्शन में आपको क्या देता है कि जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आपके पास तत्काल में पैसा नहीं है, आप फ्लिपकार्ट पे लेटर से जो है उस प्रोडक्ट को आराम से परचेज कर सकते हैं। उसका पैसा जो है फ्लिपकार्ट जमा करती है और उस पे लेटर के पैसा को जो है हमें बाद में जमा करना होता है। तो आज की वीडियो में मैं उसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि आपके जितने भी ड्यू पेमेंट रहती है, यानी आपने जैसे अभी जून का महीना चल रहा है, यानी आपने मई महीने में कितने शॉपिंग की है, जितने भी शॉपिंग की है उसको आपको नेक्स्ट मंथ यानी जून महीने में जो है आपको 5 तारीख को जो है प्रत्येक महीने के 5 तारीख को वो ड्यू पेमेंट का जो पैसा होता है फ्लिपकार्ट को जमा करना होता है। फ्लिपकार्ट पे लेटर की आईडी कैसे बनाते हैं उस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम लोग पे लेटर के बारे में बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों उस पे लेटर से फायदा भी होता है कि अगर आपके पास तत्काल में पैसा नहीं है तो आप पे लेटर से जो है शॉपिंग कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नेक्स्ट मंथ जो है उस पैसा को जमा कर दीजिएगा। लेकिन नुकसान भी है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि पे लेटर से शॉपिंग तो कर लेते हैं बट उस समय क्या होता है उन्हें पैसा देना नहीं रहता है, इसलिए वो लोग शॉपिंग कर लेते हैं बट जब नेक्स्ट मंथ उन्हें पैसा देने का समय आता है तो उस समय समझ में आता है कि हमने जो है पिछले महीने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली है। तो वो दोस्तों सबके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पे लेटर एक्टिवेट करना चाहते हैं या नहीं। फ्लिपकार्ट ने हमारे लिए ये फैसिलिटी लाई है, अगर आप चाहते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट करना तो आप उस वीडियो को देखिए, मैंने वहाँ पे फुल्ली प्रोसेस बताई हुई है कि आप पे लेटर को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देखिएगा, वहाँ पे जो है आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम लोग मोबाइल की स्क्रीन पे और जानते हैं कि हम लोग जो है फ्लिपकार्ट पे लेटर के जितने भी ड्यू पेमेंट होते हैं उस ड्यू पेमेंट को हम लोग कैसे फ्लिपकार्ट पे जमा कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। हाँ तो दोस्तों आ गए हम लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन में आने के बाद सबसे पहले जो आपको अपना फ्लिपकार्ट ओपन करना है, आप अपने फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन ओपन कर दीजिएगा। जैसे ही आप फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा, यहाँ देखिए आपके सामने जो ऐसा इंटरफेस शो करेगा। अब आपको जो है अपने अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन दे रहा है फ्लिपकार्ट पे लेटर, यहाँ पर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर के ऑप्शन पर जो है क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप फ्लिपकार्ट पे लेटर के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, आपके पूरी डिटेल्स खुल के आ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं अवेलेबल क्रेडिट जो अभी 46,063 रुपया, यहाँ पे भी यूजेज दे रहा है, यहाँ पे जो है मई ड्यू, यानी मैंने आपको जैसे ही बताया कि आपने मई में जितने शॉपिंग की है आपको जो जून महीना के 5 तारीख को वो पैसा जमा करना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 14,311 रुपये ड्यू बाई जून 5। आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर आप व्यू ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे व्यू ट्रांजेक्शन के ऊपर में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरी ट्रांजेक्शन खुल के आ जाएगी कि आपने क्या क्या चीज़ की शॉपिंग की हुई है जून मई महीने में, यानी मई महीने में जो आपने शॉपिंग की है वो जून महीने में आपको जमा करना है, जून महीने में जो आपने शॉपिंग की है उसको जुलाई महीने में जमा करना है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा, प्रत्येक महीने के 5 तारीख तक जो है आपको ये पैसा जमा करना पड़ता है। दोस्तों ये जो है आपको जब भी 1 तारीख होता है तो आपके पास में जो फ्लिपकार्ट की तरफ से मैसेज आना शुरू हो जाता है। चलिए मैं आपको एक बार मैसेज भी दिखा देता हूँ कि किस तरह मैसेज आता है। जैसे आप लोग दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास में मैसेज आया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फ्लिपकार्ट ड्यूज स्टेटमेंट, फ्लिपकार्ट पे लेटर ड्यू फॉर मई 2023 14,538 रुपये, प्लीज़ पे 5 जून 2023। हम लोग यहाँ पर इसको बैक कर देते हैं, यहाँ पर फिर से जो हम लोग इसको अपना फ्लिपकार्ट पे लेटर को जो है ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों वहाँ पे क्या था कि 14,500 समथिंग जो है हमें वहाँ पे दिखाया जा रहा था, बट क्या है कि मैंने यहाँ पे जो है लास्ट प्रोडक्ट को कैंसिल किया तो उसका पैसा जो है रिटर्न आ गया, इसलिए यहाँ पे जो है वो वाला पैसा माइनस हो गया है, तो 14,311 रुपया। अब आपको इसको पे करना है, तो आप लोग इसे पे कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे जो है पे के ऑप्शन दे रहा है, आप पे के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप पे के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। यहाँ पे जो है डेबिट कार्ड से, UPI से, क्रेडिट कार्ड से, फ़ोनपे वगैरह से, आप जिससे भी चाहते हैं यहाँ पे आप पे
कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग HDFC बैंक डेबिट कार्ड से ही इसको जो है पे कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको CVV नंबर डालना है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है CVV नंबर डाल देते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने CVV नंबर डाल दिया। CVV नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको पे सिक्योरली करके एक ऑप्शन दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा पेज रिफ्रेश होगा और आपके सामने जो एक नया पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने जो है नया पेज खुल के आ रहा है। हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कार्ड नंबर, मर्चेंट नंबर, अमाउंट जितना हमें पे करना है, OTP आ गया। OTP डालने के बाद यहाँ पे जो हम लोग सबमिट का ऑप्शन दे रहे हैं, हम लोग सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे यहाँ देखिए ट्रांजेक्शन इज बिंग प्रोसेस्ड हो रहा है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं फिर से जो नया पेज खुल के आ गया और यहाँ पर जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है यहाँ पे अभी जितना पेमेंट दिखा रहा था 14,000 समथिंग, वो जो है जमा हो गया, पेमेंट प्रोसीड हो गया, यानी हमारा जो है फ्लिपकार्ट पे लेटर का जो पेमेंट जो है सक्सेस हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे जून अनबिल्ड दे रहे हैं, यानी जून महीना अभी चल रहा है। यहाँ पे हमने जून महीना में कितने शॉपिंग 595, यहाँ पे जो इसकी पेमेंट जो है बिल जो है आपको 1 जुलाई को जनरेट हो जाएगी। आप इस तरह इसके ट्रांजैक्शन भी देख सकते हैं, अगर आप इसको पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप जून जुलाई महीना में जो है इस पेमेंट को जो है पे कर दीजिएगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए आप, फ्लिपकार्ट पे लेटर अवेलेबल क्रेडिट जो है 59,226 है, टोटल अप्रूव्ड क्रेडिट जो है हमें 80,000 का क्रेडिट मिला हुआ था। आप लोग उस वीडियो में देख सकते हैं, पहले जो मुझे 70,000 का क्रेडिट मिला था, बट मैंने जो है उसे बाद में 10,000 रुपये इंक्रीज कर लिया। जैसे कि हमने वहाँ पे जो है मई महीना में जितने भी पेमेंट ड्यू थे फ्लिपकार्ट पे लेटर के, वो सारे पेमेंट जो है हमने सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिए, यानी फ्लिपकार्ट को जो है हमने जमा कर दी। अब हम लोग जून महीने में जितने भी शॉपिंग करेंगे उस पेमेंट को जो है जुलाई महीने में सबमिट करना होगा। और आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपका 5 तारीख को बिल आता है, आप कोशिश कीजिए कि 5 तारीख को जो है बिल जमा कर देने के लिए, नहीं तो क्या होता है कि वहाँ पे पेनाल्टी लगती है। और आपके पेनाल्टी के साथ साथ सिविल स्कोर भी जो होता है, क्योंकि ये जो है सिविल स्कोर से कनेक्ट रहता है, आपका सिविल स्कोर भी जो है डाउन हो जाता है। और एक बात और बता दूं कि फ्लिपकार्ट पे लेटर जो है IDFC बैंक से कनेक्ट रहता है। अगर आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर से किसी भी प्रकार की रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, फ्लिपकार्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर फ्लिपकार्ट से नहीं हो रही है तो आप IDFC में कॉल करके भी जो है आप डिटेल्स जान सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा आज की वीडियो में हम लोग ने फ्लिपकार्ट पे लेटर का ड्यू पेमेंट को कैसे जमा किया। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि आप अगली बार जो है किस टॉपिक पर वीडियोज देखना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट DM कर सकते हैं। कोई भी परेशानी, वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए।